यामाहा ग्लेडिएटर आप लोगों की नजरों के सामने, और आपको ये लग रहा होगा कि ये ग्लेडिएटर है, बट ये ग्लेडिएटर नहीं, 2004 मॉडल बाइक है और लिबेरो है ये। और आपको याद होगा एक पहले मॉडल आता था इसका, जो आपने शायद बहुत देखा भी हो और बहुत लोगों को ये गाड़ी पसंद भी थी। इसमें यहाँ पे डबल लाइटें आती थी और एलाइवल नहीं आते थे, इसके अंदर स्पोक आते थे। तो ये पूरी बाइक को ग्लेडिएटर में कन्वर्ट इसलिए किया है अपन ने, वर्जन अपडेट होने के बाद ग्लेडिएटर के नाम से आई है। उससे पहले जब ये आती थी तो एलाय व्हील नहीं थे, ये वाला मार्क्स नहीं था इसमें, उसके अलावा इसमें सेल्फ भी नहीं आता था, और ये ब्लैक कॉम्बिनेशन का लुक नहीं आता था। वाइट कलर में आई है, ब्लू कलर में आई है, फैंसी कलरों में आती थी, इस तरह से नहीं आती थी। तो ये फाइनल हो गया, आप लोगों की नज़रों के सामने है। और आपको याद होगा ये भाई हैं आपका, जब गाड़ी लाए थे किस कंडीशन में लाए थे? कंडीशन में थी पूरी है। मतलब कितने सालों से पड़ी हुई थी? ये करीबन 8 साल 9 साल से पड़ी थी। पानी खा रही थी? पानी खा रही, पूरी बर्बाद हो गई थी, बर्बाद थी पूरी। तो फाइनली अभी आपने गाड़ी देखी अपनी, और आपकी गाड़ी कैसी लाए थे, आपका क्या कहना है अपनी गाड़ी के बारे में? हमने सोच लिया था कि ये गाड़ी कभी अब चालू नहीं हो सकती, पर आपने उसको चालू कर दी वापस से। अच्छा, और अभी अपने घर वाले भी खुश हैं, आपके पापा तो बहुत ही दीवाने थे इस गाड़ी के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है ना गाड़ी को देख के। थैंक यू ब्रदर। और अभी आपको देखने के बाद कैसा लग रहा अपनी गाड़ी को? बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल। कितना टाइम लगा टोटल बनने में? इसको करीबन 3 महीने लग गए गाड़ी को। 3 महीने लग गए, और फाइनली आप सेटिस्फाई हो? बिल्कुल। कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार पैसा भी खर्चा करा और मजा भी नहीं आया? बिल्कुल, गाड़ी 100% काम हुआ गाड़ी में। थैंक यू। बाकी आप लोगों को इस गाड़ी में कोई कमी नजर आए तो आप बता सकते हैं, जितना बेहतर अपन कर सकते थे अपन ने किया है। इधर के भी इंडिकेटर दिखा दो, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह हमारा ये पीस भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, और देख के दिल खुश हुआ होगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।